हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके इस बुक को बनाया गया है और इस बुक के पूरे कंटेंट का हम यहां पे रिव्यू करने वाले हैं। साथियों आप सभी लोगों को पता है ये जो बुक बनाया गया है, आप देख रहे हैं लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया गया है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो बुक आपको दिख रहा है साथियों द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये जो टोटल बुक आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले इस बुक को आपके सामने हार्ड कॉपी में रखना चाहता हूं। जी हां साथियों, यही जो बुक है इसी बुक के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, एक एक कंटेंट को हम इनके एनालिसिस करने वाले हैं कि इस बुक में आपके लिए क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सब चीज रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में दिया गया है कि कुछ इररेलीवेंट मटेरियल भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, तो सभी चीज का जितना भी इसके अंदर का कंटेंट है सभी के सभी कंटेंट्स को हम आपके सामने एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में मैं लेकर के आया हूं, आप यहां पे एनालिसिस करिए। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि इंडियन एविडेंस एक्ट से हर एक एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर देखिए अगर हम इस बुक के बारे में बात करते हैं कि इस बुक में आपके लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें दी जा रही हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। पहले तो आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है लैंडमार्क रिसेंट जजमेंट की अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ एविडेंस एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2019 तक का देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ सॉल्व पेपर ऑफ मेन एग्जामिनेशन फॉर ऑल जुडिशरी के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जुडिशरी एंड उत्तराखंड जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, उन्हीं सभी जुडिशरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस बुक को आपके सामने यहाँ पे विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो साथियों आप सभी लोग यहां पर देख लेंगे ये जो बुक निकाला गया है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही इस बुक को निकाला गया है, इसीलिए इस बुक को मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। और पब्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पब्लिकेशन है विधि भारती पब्लिकेशन है। साथियों आप यहां पे आप क्या करेंगे, जब कभी भी मैं कहता हूं कि कोई भी आप बुक परचेस करने जाए या कुछ भी करने जाए तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, इंडेक्स देखना पड़ता है, उसके कंटेंट को देखना पड़ता है, उसके पूरे मटेरियल को आपको ऑब्जर्व करना होता है। वही पूरा का पूरा कंटेंट, वही पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपके सामने एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। आप दुकान पर जाएंगे आपका टाइम लॉस होगा, दुकान वाला भी जल्दी देखने नहीं देगा, कहेगा भैया 10 मिनट से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसमें 10 मिनट में थोड़े नहीं किताब आप पढ़ लेंगे। लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपके सामने एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा चार्ट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, मीन्स जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आंसर लिखना होता है, जो बाइफर्केट करके डिफ्रेंशिएट बेस्ड आंसर आपको लिखना होता है, वो सभी के सभी मटेरियल फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सभी का आपको देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा का पूरा कंटेंट है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए रेस जेस्टे की बात कर रहा है, रेस जेस्टे से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न विभिन्न एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इस बुक के बारे में अगर मेन पॉइंट आपको बताना चाहें कि इसमें क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो साथियों इसमें प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एक जगह कंपाइल करके दे दिया गया है। कहां पर दे दिया गया साथियों, पूरा का पूरा एक जगह आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कंपाइल करके दे दिया गया है। बस आप धैर्य बनाए रखें, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपके सामने विथ आंसर फॉर्मेट में यहां पे शो करने वाला हूं और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर देखिए क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बिहार जे 2014 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पहले आपको क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में दे दिया है, जैसे प्रैक्टिस सेट हमारे पास होता है उसी भी प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया है कि आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब हम इसके बाद हम आंसर को भी यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। अब
आपके सामने जिसका इंतजार था आपको, वो इंतजार अब खत्म हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन रेलिवेंट फैक्ट, जाहिर सी बात है जब हम एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर रेलिवेंसी तो कूद के ही आएगा ना, उसी रेलिवेंसी की बात कर रहा है। और जो ये मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी एकदम रेलिवेंट टू द पॉइंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्सप्लेन रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू विथ डिफाइनिंग फैक्ट एंड डिस्टिंग्विश देम की बात कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये बिहार जुडिशरी में बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का वेटेज क्या आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है और क्या वेटेज ये रखता है। आप यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे आप एनालिसिस करिए, साथ साथ यहाँ पे आप आंसर को भी एनालिसिस करिए कि क्या आंसर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम सेक्शन 3 को कैसे भूल सकते हैं। सेक्शन 3 से ही तो सारा चीज निकल रहा है, तो सेक्शन 3 को हम कैसे भूल सकते हैं। फैक्ट में इंक्लूड क्या होता है, एनी स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बींग परसीव्ड बाई द सेंसेस की बात करता है, जिसमें इलुस्ट्रेशन ए बी एंड सी को हम लोग डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, एनी मेंटल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्सियस इंटरनल फैक्ट, इलुस्ट्रेशन डी एंड ई ऑफ सेक्शन नंबर 3 को हम यहाँ पे एनालिसिस करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया गया, आंसर के साथ फ्रेमिंग किया गया। अगर इस प्रकार से आप 4 से 5 प्रैक्टिस करते हैं तो 6th बार ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपका होगा। और यही आपको करना है। अगर आपको लगता है बिहार जुडिशरी हमें क्रैक करना है तो बिहार जुडिशरी के लिए कुछ और नहीं स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी अपनाना है और इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग में आपको क्या मिलेगी, आपको सफलता मिलने वाली है बिहार जुडिशरी में। जो भी चीजें मैं आपको यहां पर शो करने वाला हूं सभी के सभी आंसर फॉर्मेट में मैं आपके सामने यहां पे एक एक करके रखने वाला हूं। फिर यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि बिहार जे में ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था और आप वेटेज देखेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन का वेटेज। कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म प्रूव्ड डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, ये तीनों टर्मिनोलॉजी से बार बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैं बताऊंगा भी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में लिखने के लिए आता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 10 नंबर में लिखने के लिए आता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होता है जो 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, वर्ड्स लिमिट के साथ भी आपको आंसर लिखने के लिए आता है, आपको नंबर के अकॉर्डिंग में भी आंसर लिखने के लिए आता है। तो सभी प्रकार से आपको आंसर लिखने के लिए आता है और सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आप प्रूफ डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ को देख रहे हैं, प्रूफ के बारे में यहां पे पूरा का पूरा मटेरियल आपको देखने के लिए मिल गया, साथ ही साथ यहाँ पे केस लॉ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आपसे ये इंफोसाइज किया जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, केस लॉ पे भी फोकस्ड करेंगे, केस लॉ को भी आप मेंशन करेंगे, इसीलिए इन सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपके बिहार जे में पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपके बिहार जुडिशरी का। और उत्तराखंड में भी अभी दिखाने वाला हूं कि उत्तराखंड में भी आपके एग्जामिनेशन में इस यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, जितने भी हमारे योद्धा हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे इस बार फतेह करना है, किसी भी हालत में हमें अपने मैदान को फतेह करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि अगर डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस पे डायरेक्ट आपको 5 में 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कैसे 5 में 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया और इस 5 पॉइंट पे आपको एक एक नंबर एक एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कटौती आपके लिए नहीं किया जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट यहाँ पे मार्किंग होगी और 2 पॉइंट आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। सिर्फ एक तरफ ही नहीं लिखना है, बाइफर्केशन का मतलब होता है दोनों तरफ लिखना होता है। ये नहीं कि हमने तो एक तरफ लिख दिया है हमको 5 नंबर क्यों नहीं मिला, नहीं। अगर कह रहा है कि डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन है तो इधर भी आप लिखेंगे 5 पॉइंट और इधर भी आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पे पूछ रहा है जैसे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात कर रहा है, तो लॉ का मटेरियल आप इधर लिखेंगे, फैक्ट का मटेरियल आप इधर लिखेंगे। और इस प्रकार से लिख करके आप नॉर्मल तरीके से आप लिख करके एक लेमैन की भाषा में आप लिख करके भी यहाँ से 5 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अब देखिए साथियों इसी के साथ साथ पूरा यहाँ पे
केस लॉ भी आपके सामने रखा जा रहा है कि इसके रेलेवेंसी में ये केस लॉ बन सकता है, इसके रेलेवेंसी में ये केस लॉ बन सकता है। मीन्स कि इन टोटैलिटी कहा जाए तो बुक को बहुत ही बेहतर ढंग से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब आप फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हम यहाँ पे अंबार लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देखते जाइए यूपी एपीओ में इसका मेन एग्जामिनेशन का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है कि जो यूपी एपीओ में पूछेगा वो मेन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है क्योंकि दोनों ही हमारा आंसर राइटिंग पे बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यूपी एपीओ में आपका क्वेश्चन पूछा गया, यूपी जे 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, बिहार जे की अगर हम बात करते हैं तो ये बार बार आप देख सकते हैं बिहार में और उत्तराखंड जे में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन को अक्यूज्ड और बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम को अक्यूज्ड की बात करते हैं, स अपराधी की, स अभियुक्त की बात करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप आंसर को देखिए, कन्फेशन वगैरह की बात कर रहा है क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट कम से कम 500 बार तो पढ़ ही लिया गया होगा। एज अ थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो उसी थ्योरी की से निकला हुआ ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए आंसर फॉर्मेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए फिर डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आ गया एडमिशन में एंड कन्फेशन में, और ये भी अगर यहाँ पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं साथियों ये बहुत ही सेफ क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में तो आपको खुश होने का समय है, आपको उत्सव मनाने का समय होता है कि चलो कम से कम स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेगा, 5 में से हमको 5 नंबर या 4 नंबर तो डेफिनेटली ही मिल जाएंगे। लेकिन जहां 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां आपको लंबा चौड़ा आंसर भी लिखना पड़ता है, साथ साथ वहां पे आपको केस लॉ भी मेंशन करना पड़ता है, साथ साथ इलस्ट्रेशन अगर कोई एट दैट टाइम याद आता है, कोई एग्जाम्पल याद आ जाता है तो वो भी लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है टू द पॉइंट आप लिखिए, 5 में 5 नंबर लेके जाइए, जस्ट चिल्ल मारिए, कोई भी आपको वहां पे रोकने और पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनर जानता भी है कि ये क्वेश्चन पे बच्चे को हमको क्या देना है, 5 में 5 नंबर या 5 में 4 नंबर हमको देना ही देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आप देख लीजिए बिहार झारखंड एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप एक क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीजों को आप डिटेल में एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। जो भी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है साथियों सभी के सभी बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड जहाँ का भी मेन एग्जामिनेशन होगा वहाँ के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग में बनाया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता है कि ये मेजर एक्ट है और मेजर एक्ट जो है हमारा संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि झारखंड में अलग लागू होगा, बिहार में अलग लागू होगा और उत्तर प्रदेश वाले में तो कहेंगे नहीं 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 हम तो अलग बिल्कुल लागू करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। तो आप इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर एनालिसिस करिएगा, आप एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार यहाँ के मटेरियल्स को आप यहाँ पे एनालिसिस करिएगा और चीज़ों को आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझने का काम करिएगा। तो साथियों ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट था, इसीलिए ये मटेरियल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इसी भी प्रकार का मैं नेक्स्ट मटेरियल भी आपके सामने लेकर के आऊंगा जो कि इसी तरह से एक मेजर एक्ट पे हमारा होगा। अगर हम मेजर एक्ट की बात करते हैं आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी इन्हीं सभी चीजों पे आपका मैं फिर एक सेशन लेकर के आऊंगा और उस सेशन में भी मैंने आंसर राइटिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग में आपको क्या आंसर बनाना होता है, क्या इलस्ट्रेशन लिखना जरूरी होता है, क्या केस लॉ लिखना आपको जरूरी होता है, क्या रिसेंट केस लॉ आपको लिखना जरूरी होता है, एग्जाम्पल लिखना आपको जरूरी होता है। इन सभी मुद्दों पे हम एक अच्छा सा चर्चा करने वाले हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो साथियों आप सिंपल ये LAW आप ध्यान से देखिए लॉ विथ WITH विथ रोनित RONIT ये टेलीग्राम ग्रुप आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे एज सच आपका इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उस पीडीएफ से भी आप क्या करेंगे इन सभी मटेरियल्स को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो वहां पे अच्छे तरीके से धूमधाम से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी मटेरियल मैं आपके सामने लेकर के आया था उन सभी मटेरियल्स को मैंने आपके सामने एक एक करके जितना भी हो सकता है प्रेजेंट करने का काम किया। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।